गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू रीड फ्रॉम पेज नंबर 31, लास्ट सेकंड पैराग्राफ। डिस्पाइट डिविजन्स, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो रशियन सोसाइटी थी उसके अंदर डिविजन्स थी, जो वर्कर्स थे वो भी बटे हुए थे, बहुत कम वर्कर्स ने एसोसिएशन बनाए थे, और वहाँ जब भी ये जो एसोसिएशन थे अनएम्प्लॉयमेंट होता था या जो कोई भी हार्डशिप होती थी फाइनेंशियली, तो उसमें हेल्प करते थे वर्कर्स की। डिस्पाइट डिविजन्स, इन डिविजन्स के अलावा, इन इस विभाजन के अलावा, वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। काम के बारे में जो वर्कर्स थे वो हड़ताल करते रहते थे, स्ट्राइक करते रहते थे, काम को मतलब स्टॉप कर देते थे। व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स, जब वो अपने मालिकों से असहमत हो जाते थे, डिसएग्री हो जाते थे अबाउट डिसमिसल और वर्क कंडीशन। और वो डिसएग्री क्यों होते थे, या तो जब उनको डिसमिस कर दिया जाए, निकाल दिया जाए काम से, या फिर उनके काम करने की कंडीशन अच्छी ना हो, तो ऐसे हालात में वो डिसएग्री हो जाते थे और हड़ताल कर देते थे। दीज स्ट्राइक्स टुक प्लेस फ्रिक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1896 टू 1897 एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902। और ये जो हड़तालें होती थी वो कपड़ा उद्योग में 1896 और 1897 के दौरान ऐसा हुआ, और मेटल इंडस्ट्री में 1902 में ऐसा हुआ कि उन्होंने मजदूरों ने हड़तालें कर दी। इन द कंट्री साइड, ग्रामीण इलाके में, देहात में, पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, जो किसान थे वो ज्यादातर जमीन को कल्टीवेट करते थे, खेती करते थे उस पे, बट द नोबिलिटी, पर जो नोबिलिटी यानी कि अमीर वर्ग था या जो सामंत थे, द क्राउन या फिर राजशाही थी जैसे राजा, एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च, और जो चर्च होता था, ओन लार्ज प्रॉपर्टीज, उनके पास बड़ी बड़ी संपत्तियां थी। मोस्टली जो भी प्रॉपर्टी थी वो इन तीन लोगों के हाथ में थी, सामंतों के, राजा के और चर्च के। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड, मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे, वो भी डिवाइड थे। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, वे बहुत ज्यादा गहराई से रिलीजियस थे, धार्मिक लोग थे, बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, पर कुछ केसेस में उनकी सामंतों के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, वो आदर नहीं करते थे सामंतों का। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजिशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी। और ये जो सामंत थे, अमीर लोग थे, उनको उनकी शक्ति और उनकी जो हैसियत थी वो जार के प्रति उनकी सेवाओं के कारण उनको मिली थी, वहाँ स्थानीय पॉपुलैरिटी उनके पास नहीं थी, यानी कि वो लोगों में या किसानों में पॉपुलर नहीं थे नोबल्स, बल्कि जार का काम करते थे, उसकी सेवाएं देते थे अपनी उनको, जार को, और इसी कारण उनकी पोजिशन और पावर बनी हुई थी। दिस वॉज अनलाइक, और इसके विपरीत जो फ्रांस था, वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन ब्रिटेनी, जहां ब्रिटेनी में फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उसके दौरान, पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फोट फॉर देम, तो रशिया में इसके विपरीत हुआ था, अपोजिट हुआ था। वहां पे क्या हुआ, रशिया में, सॉरी फ्रांस में, जो किसान थे वो नोबल्स की रिस्पेक्ट करते थे और उन्हीं के लिए लड़ रहे थे। इन रशिया पीजेंट्स वॉन्टेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम, और रूस में किसान क्या चाहते थे, जो नोबल्स के पास जमीन थी उसको वो ये चाहते थे कि वो किसानों को दे दी जाए। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट, इसीलिए वो लगातार कर जो था, टैक्स जो था, उसको देने से मना करते थे, एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, और यहाँ तक कि जमींदारों का कत्ल भी या हत्या भी कर देते थे। इन 1902 दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया, 1902 के आसपास ये बड़े पैमाने पर साउथ यानी कि दक्षिण रूस में ऐसा होने लगा। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया, और 1905 आते आते ये सारी जो घटनाएं थी, ऐसी जो घटनाएं थी, वो पूरे रशिया में फैल गई। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे, एक तरीके से और रशिया के किसान यूरोपियन किसानों से अलग थे। दे पुल्ड देयर लैंड टूगेदर पीरियोडिकली, वो पीरियोडिकली मतलब
जैसे एक पर्टिकुलर पीरियड में अपनी सारी जमीन को दे देते थे एंड देयर कम्यून, कम्यून मतलब मीर कहते थे उसको, इस कम्यून को वो सारी जमीन सौंप देते थे, डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज, और इस सारी जमीन को वो जो कम्यून होता था वो एक परिवार को जितनी जरूरत है उसके हिसाब से फिर आगे दोबारा से बांट देता था। एक तरह से हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो रशिया है वहां पे पीजेंट समाजवादी थे। समाजवाद का मतलब ही यही है कि जो सारे जो पीपल हैं किसी भी सोसाइटी के उनको समान रूप से सारे अधिकार हों, समान रूप से रिसोर्सेज के ऊपर उनका अधिकार हो। तो यहाँ जैसे जो जमीन है वो भी एक रिसोर्स है और इस जमीन के ऊपर सारे किसानों का इक्वल राइट हो, ऐसा रशिया में किया जा रहा था पहले से ही। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वहाँ सोशलिस्ट समाज जो था, समाजवाद जो था, वो पहले से ही मौजूद था किसानों में। नेक्स्ट पॉइंट इज 2.3, सोशलिज्म इन रशिया। रशिया में समाजवाद, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले रूस में सारी जो पार्टीज थी, दल थे, वो गैर कानूनी थे। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट, समाजवादियों के द्वारा। रूस समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी, मजदूर पार्टी, वो उसका गठन किया गया था 1898 में। हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज, मार्क्स यानी कि कार्ल मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स के विचारों को सम्मान देती थी। हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। सरकार की पॉलिसी की वजह से, या सरकार बहुत ज्यादा दबाव रखती थी दूसरे दलों पर, इसकी वजह से इस संगठन को एक गैर कानूनी संगठन के रूप में चलाया गया। इट सेट अप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स, इसने एक न्यूज़पेपर शुरू किया, मजदूरों को इकट्ठा किया, एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स और हड़तालें की। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट, कुछ रूसी समाजवादी ये महसूस करते थे, द रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट, कि जो किसान हैं उनके अंदर एक प्रथा है कि वो अपनी जमीन को पीरियडिकली हर थोड़े टाइम के बाद डिवाइड करते रहते हैं, तो वो नेचुरली सोशलिस्ट हैं, यानी कि स्वाभाविक रूप से समाजवादी हैं। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन, इसीलिए जो मजदूर हैं वो नहीं बल्कि जो किसान हैं वो क्रांति की मुख्य शक्ति होंगे, एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट, और रशिया जो है वो समाजवादी बन सकेगा मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों की अपेक्षा ज्यादा जल्दी। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड, समाजवादी ग्रामीण इलाके में ज्यादा एक्टिव थे थ्रू द लेट 19th century, 19वीं शताब्दी के लास्ट तक। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900, उन्होंने 1900 ईस्वी में एक समाजवादी क्रांतिकारी दल बनाया। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट्स, और इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए स्ट्रगल किया, एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स, कि जो जमीन नोबल्स के पास है वो किसानों को ट्रांसफर कर दी जाए। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्री विद सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, जो समाजवादी लोकतंत्रवादी थे वो इस समाजवादी क्रांतिकारी लोगों से वो सहमत नहीं थे किसानों के बारे में। लेनिन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है लेनिन, लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, लेनिन ये महसूस करते थे जो किसान है वो भी एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, यानी कि एक ग्रुप नहीं है। सम वर पुअर, उसमें कुछ गरीब हैं, अदर्स रिच, कुछ अमीर हैं। सम वर्क्ड एज लेबरर्स, कुछ मजदूरों के रूप में काम करते हैं। वाइल अदर्स वर कैपिटलिस्ट, कुछ अमीर हैं, पूंजीवादी। हु एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो मजदूरों से काम कराते हैं। गिवन दिस डिफ्रेंशिएशन विद इन देम, दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ अ सोशलिस्ट मूवमेंट, और इस डिफ्रेंशिएशन की वजह से, इस अंतर की वजह से, वो समाजवाद जो आंदोलन होगा उसका हिस्सा नहीं बन सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूस के समाज में क्रांति के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था, और आगे और भी हम कुछ रीजंस पढ़ेंगे, हम इसको कल कंटिन्यू रखते हैं।